जबलपुर जिले के बेलखेड़ा विद्युत केंद्र में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। बेलखेड़ा विद्युत सब स्टेशन के प्रांगण में सर्वदलीय पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने एकजुट होकर बिजली की भारी समस्याओं को लेकर बेलखेड़ा में सुबह से ही टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया, जहां किसानों की मुख्य मांगे हैं कि बिजली न मिलने से मूंग उड़द की फसलें सूख रही हैं, तो वहीं बिजली के कर्मचारियों के द्वारा बगैर पैसे लिए कोई कार्य नहीं करता। वहीं धरने की सूचना पाकर विद्युत विभाग ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया, जिसमें पाटन SDM सारिका पांडे, नायब तहसीलदार पंकज पांडे, बेलखेड़ा थाना प्रभारी विजय अम्भोरे एवं पुलिस लाइन से भारी पुलिस बल बुलाया गया। सूचना पाकर पहुंचे AB मोहन राय, कार्यपालन अभियंता पाटन, जिन्हें किसानों ने पहुंचते ही घेर लिया तथा समस्याओं की झड़ी लगा दी। किसानों का धरना प्रदर्शन चल ही रहा था, तभी दोपहर में पूर्व विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह जी धरने पर आकर बैठ गई तथा किसानों ने जो समस्याएं पूर्व विधायक को दी थी वही कार्यपालन अभियंता को सुनाई तथा शहर भी बताया कि हम जब ऊपर बात करते हैं तो बोला जाता है कि किसी प्रकार के ट्रांसफार्मर की समस्या नहीं है, लेकिन यहां किसान दिन रात ट्रांसफार्मर के लिए जूझ रहे हैं तथा आपके अधिकारी बगैर लेन देन के कोई काम नहीं करते। वहीं किसानों ने विद्युत विभाग को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 7 दिवस के भीतर समस्याओं का हल नहीं होता तो हम विशाल धरना प्रदर्शन तथा उग्र आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह, भैयालाल पालीवाल, परमलाल अहवासी, प्रमोद शुक्ला, अभय सिंह, कमलेश भूरक, जाहरी पटेल, बलराम पटेल, रोहिणी पटेल, रामेश्वर सती सहित सैकड़ों की संख्या में किसान एवं सर्व दल के नेता भी मौजूद रहे। आज मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बेलखेड़ा के सब स्टेशन का घेराव किसानों द्वारा किया गया। यहाँ पे बहुत जटिल समस्या पिछले 15 दिन से बनी हुई है। एक तो सरकार के द्वारा घोषित जो 10 घंटे बिजली मिलना चाहिए वो यहाँ मिल नहीं पा रही, मुश्किल से 5-6 घंटे बिजली यहाँ पर उपलब्ध होती है। और अधिकारियों से संपर्क करने पर लोड सेटिंग कहीं 33 बंद, कहीं कुछ फॉल्ट, ये बहाना लेके किसानों को परेशान किया जा रहा है और कहीं पता भी नहीं चलता, कहीं कटाई घाट से, कहीं करकवेल से, कहीं मगर वहाँ से बिजली सप्लाई भी अस्त व्यस्त है और यहाँ कोई सक्षम अधिकारी सब स्टेशन पे नहीं है। किसानों ने घेराव किया और यहाँ वर्तमान में जो नए DI उन्होंने आश्वस्त किया कि विद्युत कटौती की समस्या हल की जाएगी, शासन के द्वारा घोषित विद्युत 10 घंटे दी जाएगी, ट्रांसफार्मर 1 हफ्ते में बदले जाएंगे और लीड भी बदली जाएगी और जो पिछली क्षति हुई है लाइट की वो ऊपर से अनुमोदन करके पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा इस आंदोलन में तय हुआ। किसान भाई उपस्थित, किसानों ने खुलेआम आरोप लगाए हैं पैसे लेने की, बात सही है? हाँ, किसानों ने पिछले D और A पर खुलेआम आरोप लगाए हैं कि ये पैसे लेके ट्रांसफार्मर बदलते हैं और ये सत्य भी है, क्योंकि यहाँ जो JE रहते हैं चाहे कोई भी हो उनको पता नहीं चलता तो क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बदल जाते हैं और ये बिना पैसे के ट्रांसफार्मर नहीं बदलते और इनका रेट 5,000 से लेके 25,000 रुपये पर ट्रांसफार्मर है और कई किसान इस चीज़ को कहने को तैयार है, अगर सक्षम अधिकारी बयान ले और कार्रवाई करे तो किसान सामने आके उनके विरोध में बयान दर्ज कराएंगे। नाम आपका? प्रमोद शुक्ला, जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ, किसान का नेता हूँ, किसानों के नायक जी। बेलखेड़ा क्षेत्र के समस्त किसान, समस्त दल के किसान, आज ऐसा पहला मौका है कि समस्त दल के किसान इकट्ठे हुए और किसानों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि 15 दिन से किसानों को सिर्फ 4-5 घंटा सप्लाई लाइन मिल रही है। तो हम लोग सब किसान इकट्ठे होकर आज उग्र आंदोलन कर रहे थे तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है, D साहब, तहसीलदार साहब द्वारा, कि 7 दिवस के अंदर आपकी जो 6 घंटा सप्लाई दी उसको जो 4 घंटा रह गई उसकी भरपाई की जाएगी, 2-2 घंटा डेली बढ़ा के दी जाएगी और जो जले ट्रांसफार्मर है उनको 1 हफ्ता में बदला जाएगा। और जो आप बोल रहे कि अधिकारियों द्वारा पैसा लिया जा रहा है, ये बात सत्य है और अधिकारी जो यहाँ से पैसा ले रहे सिर्फ ये नहीं ले रहे, ये पैसा बहुत जगह पहुंचाया जाता है और ये अधिकारियों को भी पता है, क्योंकि हम लोग कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं और इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया आज तक। तो हम लोग आज बहुत परेशान होकर समस्त क्षेत्र के किसान आज बेलखेड़ा सर्व स्टेशन में इकट्ठा हुए हैं और 7 दिवस के अंदर जले ट्रांसफार्मर जो 1-1 साल 8-8 महीना से जले हैं
वो ने आश्वासन दिया है कि बदल देंगे और गांव गांव की लीड जली है वो भी नहीं बदली जा रही, जबकि जो बिल का बहाना लेते हैं, हमारे क्षेत्र में 80% बिल की वसूली हुई है और अधिकारी ने डी ने भी कबूल किया है कि हाँ 80% हम लोगों ने बिल वसूली की है। तो अब हम लोगों की जो मांग थी उनने आश्वासन दिया है, अगर एक हफ्ता के अंदर इनने हमारे को जो आश्वासन दिया जो मांग थी वो पूरी नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन फिर यहाँ पुनः करने का काम करेंगे। भारत माता की जय। किसान में जो भाई हम करवा देंगे, जो मेन मांग थी कि पंप फीडर में 10 घंटे की सप्लाई बिना रुके देना है। अभी लोड शेडिंग तो बंद हो गई, जो पहले आघोषित करती थी सुचारू रूप से चल रहा है और मैं उसको देख लूंगा। 10 घंटे नियमित देना है उसको, सुनिश्चित करेंगे। दूसरा फील्ड ट्रांसफार्मर बहुत है यहाँ पर जल गए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।